एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति पास से गुजरा तो उसने बाबा से पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी सूख जाए तो इसे पार कर लूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बाबा, पूरा पानी सूखने का इंतजार में तो तुम कभी नदी को पार नहीं कर पाओगे। तो उस फकीर ने कहा, यही तो लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मैं खुश रहूँगा, मौज करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, सबसे मिलूंगा, लोगों की सेवा करूँगा। इसी तरह नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा और हमको नदी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। एक ना एक दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, पर ये जिम्मेदारियाँ कभी खत्म नहीं होगी। हमें अपने जीवन की इन्हीं जिम्मेदारियों को अपने साथ लेकर वो हर काम करना होगा जो हमें खुशियाँ दे। हमें अपने जिम्मेदारियों के बोझ को कभी इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि जीवन में सिर्फ दुख रह जाए। तो दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा उसे जो है मोटिवेशनल चैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके के आपके मोटिवेशनल वीडियोज बनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप जो है कैसे मोटिवेशनल वीडियो बना सकते हो। बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा, बहुत सारी कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसको कि अगर आप फॉलो करते हो तो आप जो है एक अच्छे खासे जो है ना मुकाम पे पहुंच सकते हो, खास करके मोटिवेशनल चैनल में। अगर आप किसी को मोटिवेट करने में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आपको मोटिवेशन देना अच्छा लगता है, अगर आपको किसी को समझाना अच्छा लगता है, अगर आप मोटिवेशनल चैनल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बताऊँगा, हर एक चीज़ आपको बारीकी से समझाऊँगा कि आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे आपको हर एक चीज को करना होगा, कैसे आपको एडिट करना होगा, कहां से आपको फोटोज लेना होगा, कहां से आपको छोटा छोटा वीडियो क्लिप लेना होगा, साथ में आपको उसको कैसे एडिट करना है, कैसे अपलोड करना है, किसके तरह आपको बनाना है, तो सारा चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। गाइस, मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज को आपको ध्यान देना होगा, वो ये है कि आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले आपको खुद को मोटिवेट रखना होगा। अगर आप खुद को मोटिवेट रखेंगे तभी आप मोटिवेशनल वीडियोज बना पाएंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि मोटिवेशनल चैनल स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई एक बुक ले लिया या फिर किसी भी स्टोरी ले लिया और स्टोरी को जस्ट आपके सामने बोल रहे हैं। तो बोलने से नहीं होगा भाई, अगर आप बोलोगे तो वो मोटिवेशनल वीडियो थोड़े हो गया। मोटिवेशनल वीडियो का मतलब होता है कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो देखने के बाद आप मोटिवेट हो जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 दिन के लिए मोटिवेट रहो, लेकिन हाँ, जिस समय आप देखे उस समय आपको फुल मोटिवेशन आ जाना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, वो आएगा आपका मोटिवेशन से। जब आप खुद मोटिवेट रहोगे तभी आप दूसरों को मोटिवेट कर पाओगे। जैसे कि अभी मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ इसमें क्या, मैं मोटिवेट होकर आपको बता रहा हूँ, मैं इतना अंदर से मतलब एनर्जेटिक हूँ जिससे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मोटिवेशनल वीडियो कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमेज को कहां से लेना है, फोटोज को कहां से लेना है, वीडियो को कहां से लेना है, इस तरीके से अगर मैं बताऊंगा तो कितने लोग देखोगे, बहुत कम लोग देखोगे, बोलेंगे कि यार क्या बता रहा है। लेकिन जैसे मैं आपको थोड़ा सा एनर्जी से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, एनर्जेटिक में दिख रहा हूँ, आंखों में जो कैमरा में जो है ना अपने आंख डाल के देख, सामने देख के मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में क्या आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो और आप मेरे पे ट्रस्ट भी कर रहे हो, है ना, तभी तो आप अभी तो किस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते तो वीडियो को छोड़ के चले जाते। तो ऐसे में सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, आपको खुद को मोटिवेट रखना है। खुद को मोटिवेट रखोगे तभी आप दूसरे को मोटिवेशन कर पाओगे। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आप मोटिवेशन वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको जो नॉर्मल जो यूट्यूबर्स है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, जो मेरा एडिटिंग है उससे आपको हार्ड एडिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फेस कैम वीडियो है ना, मैं डायरेक्टली आपके सामने बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत एनिमेशन लगा रहा हूँ। लेकिन आपका क्या है, मोटिवेशन वीडियो है तो हर एक सेकेंड, हर दो सेकेंड में आपको एनिमेट करते रहना, ठीक है। जब तक आप एनिमेशन नहीं दोगे तब तक आपका चैनल नहीं चलेगा। मोटिवेशन वीडियो में दो ही तरीके से चलता है, या तो आप इतना अच्छा वॉइस उसमें डाल दो कि लोग आपकी बात को सुनेंगे, और दूसरा है कि आप इतना अच्छा एनिमेशन डाल दो अपने वीडियो में कि आपके एनिमेशन को लोग देखते रह जाए, एनिमेशन से जो है ना वो मोटिवेट हो जाए। तो दो चीजों पर काम करती है। आप देखो, अगर आप नया चैनल बनाते हो, स्टार्टिंग में जब आप चैनल बनाते हो तो आप उतना अच्छा से नहीं बोल पाओगे,
मैंने भी जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने इतना अच्छा से नहीं बोल पाया था, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बोलने का हैबिट बढ़ेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फेस वाला तो मोटिवेशन नहीं बनाना, आपको बैकग्राउंड में बोलना है। तो आप कहीं भी जा सकते हो, कोई कैमरा नहीं है, कोई नहीं देख रहा, तो फुल एनर्जेटिक के साथ बोलने के लिए भी आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा और साथ में वॉइस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वॉइस को कैसे रिकॉर्ड करना है, वॉइस को कैसे एडिट करना है, मैं ये भी सारा चीज बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या करना होगा, काइनमास्टर या फिर VN या फिर बहुत सारे ऐसे एडिटिंग ऐप आता है, उसमें जाके वॉइस को डालना होगा। और जैसे जैसे आप बोल रहे हो, जैसे कि मान लो कि कोई फील्ड के बारे में बता रहे हो, तो उस फील्ड का वहां पर फोटो आना चाहिए। कोई एनर्जेटिक के बारे में बताना हो तो कुछ एनर्जेटिक टाइप के आ रहा हो। सोशल मीडिया के बारे में बता रहे हो तो सोशल मीडिया का वहां पर फोटो या फिर कुछ वीडियो क्लिप आ रहा। कुछ रोड के बारे में बता रहा हूँ कि भाई एक लड़का था जो कि रोड पे चल रहा था, तो आपको क्या करना है, एक लड़का को रोड पे चलाना है, मतलब कुछ उस तरीके का फोटो जो वहां पर लगाना है। वो सारी फोटोज आपको कहाँ से लेना है, कैसे आपको करना है, तो हर चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब देखो, मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए ना आपको ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन भी है तो भी आप अच्छे खासे उसमें एडिट कर सकते हो। अब देखो, स्मार्टफोन कहने का मतलब ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कोई लोकल या फिर छोटा मोटा या फिर कम बजट वाला स्मार्टफोन जिसमें कि थोड़ा बहुत अगर आप एडिटिंग करते हो तो लैग करने लगेगा, हैंग करने लगा, वैसा स्मार्टफोन से काम नहीं चलेगा। स्मार्टफोन कुछ ऐसा रहना चाहिए जिसमें कि हाँ, अगर आप लेयर पे लेयर जैसे कि बहुत सारा अगर आप लेयर लगाते हो तो भी हैंग नहीं करना चाहिए। 4/64 से ऊपर अगर रहेगा तो अच्छा काम करेगा, ठीक है। अगर 4/64, 3/32 या फिर 2/16 है तो फिर भैया भूल जाओ कि आप मोटिवेशन वीडियो एडिट कर पाओगे। मोटिवेशन वीडियो को आपको बनाने के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, साथ में इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपको डाटा की बहुत जरूरत पड़ेगी, कि बहुत सारा आप वीडियो क्लिप डाउनलोड करोगे, उसको फिर अपलोड करोगे तो उसमें डाटा भी बहुत ज्यादा खर्चोगे, तो डाटा भी आपके पास रहना चाहिए। साथ में आपको पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस जब तक नहीं रखोगे, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि भाई रोज आप वीडियो अपलोड करो, तो आप रोज अपलोड करोगे कैसे, मोटिवेशन वीडियो रोज कैसे अपलोड करोगे। मोटिवेशन वीडियो में क्या होता है, पहले वॉइस को रिकॉर्ड करना होता है, फिर उसको एडिट करना होता है, एडिट भी आपको अच्छे खासे एनिमेशन डाल के करना होता है, फिर उसको अपलोड करना होता है। तो भाई एक दिन में कैसे कर पाओगे, अगर आप 1.5 GB या फिर 2 GB का प्लान रखोगे तो उसमें आपको 1 से 2 दिन से 3 दिन भी लग सकता है एक वीडियो बनाने में, ठीक है। तो पहला वीडियो जो भी बनाओ अपने चैनल पर, जब भी कोई पहला वीडियो बनाओ तो उसमें क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्वांटिटी नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे पर डे एक वीडियो डालना है, कैसा भी वीडियो बना के बस डाले जा रहा हूँ, बेकार है, इससे अच्छा मत बनाओ। अभी क्या करना है, क्वालिटी बनाओ, क्योंकि अगर आप 3 दिन में एक वीडियो बनाते हो और क्वालिटी बनाते हो उस पर आपको सब्सक्राइब करेंगे लोग, लेकिन अगर आप 3 दिन में 3 वीडियो बनाते हो और क्वालिटी नहीं है तो कोई देखेगा भी नहीं, सब्सक्राइब करने की तो दूर की बात है, समझ रहे हो, कोई नहीं देखेगा। अगर आप मोटिवेशन वीडियो बना रहे हो, मोटिवेशन वीडियो बहुत सारे चैनल पर चल रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे आपके मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, उससे ज़्यादा फोकस करना है, उससे ज़्यादा ध्यान लगाना है, उससे अच्छा स्टोरी लेना है, उससे अच्छा एडिटिंग करना है, तभी तो लोग उसके वीडियो को छोड़कर आपकी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आपको उतने सारे लोगों को बीट करना है, समझ रहे हो। बहुत सारे फील्ड में है, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लोग 5 साल से स्टार्ट किए हुए, 4 साल से लगे हुए, 3 साल से लगे हुए, 2 साल से अच्छे खासे मुकाम पे, तो भाई उसको बीट करने के लिए या फिर उसको पकड़ने के लिए आपको उसी स्पीड से मेहनत भी करना पड़ेगा, आपको उसी स्पीड से एडिटिंग भी करना पड़ेगा, आपको उसी स्पीड से वॉइस ओवर भी करना पड़ेगा, समझ लो, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप उसको बीट कर पाओगे, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। अगर आप वो सब कुछ नहीं करोगे तो मोटिवेशन चैनल भूल जाओ कि आप बना पाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि मोटिवेशनल चैनल का मतलब ही होता है कि भाई किसी के वीडियो को देखो तो भाई फुल एनर्जेटिक। आप संदीप महेश्वरी का वीडियो देखो, विवेक बिंद्रा का वीडियो देखो, है ना, वो सब का अगर आप वीडियो देखो, दीपक दहिया एक चैनल है उसका वीडियो देखो, जीत आपकी वैसा करके एक वीडियो है उसका वीडियो देखो, जोश एक चैनल है उसका वीडियो देखो, तो वो सब का वीडियो जब आप देखोगे तो आप खुद एनर्जेटिक हो जाते हो, खुद मोटिवेट हो जाते हो। तो भाई आपको भी उसी तरीके की वीडियो बनानी है। आपके वीडियो को जब तक कोई देख के मोटिवेट नहीं होगा तब तक आपको सब्सक्राइब क्यों करेगा, और जब तक आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपका चैनल बूस्ट कैसे होगा, क्योंकि जब आपको सब्सक्राइब करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स होगा, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा, तभी तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तभी तो आप अपने चैनल से अर्निंग कर पाओगे। तो भाई आपको इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा, अच्छा एक स्मार्टफोन ले लेना, माइक भी जरूरी है। अगर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में किसी भी चीज पर खर्च करो तो वो है माइक,
ठीक है। तो माइक आपको कौन सा लेना है, माइक अगर आपके पास नहीं है तो बोया बाई M1 माइक ले सकते हो, या फिर अहूजा का एक MT40 करके माइक आता है, वो भी काफी अच्छा माइक होता है। अभी जो माइक से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बोया का बोया बाई M1 माइक है। एक और माइक अहूजा का MT40 करके आता है, वो भी काफी हद तक अच्छा रहता है, उसमें थोड़ा बहुत बेस भी रहता है, उसका भी वायर बहुत ज्यादा लंबा रहता है। तो आप इन दोनों माइक में से किसी एक माइक को ले लो, आप एक अच्छा सा स्मार्टफोन ले लो और पहले YouTube पर रिसर्च करो, YouTube पर रिसर्च करो, वीडियो देखो कि कौन कैसा वीडियो बना रहा है, किस टाइप की आपको वीडियोज बनानी है, ठीक है। आप अगर आप इतना सारा ये सब चीज इकट्ठा करोगे तभी आप YouTube चैनल बना पाओगे, तभी आप मोटिवेशनल चैनल पर सक्सेस कर पाओगे, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में मैंने ये सारी चीज जानकारी दे दी है, नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए इमेज कहां से लेना है, सबसे पहला चीज वॉइस ओवर कैसे करना है, कौन सा एप्लीकेशन से आपको एडिट करना है, तीसरा चीज बताऊंगा वीडियो आपको कहां से लेना है, मोटिवेशनल चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए जो उसमें वीडियो यूज करते हैं उसको आपको कहां से लेना है, जिससे कि आपको कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि जब अगर आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट आ जाएगा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ में मैं ये बताऊंगा कि आपको उसको एडिट कैसे करना है, चार पांच चीजें होती है मोटिवेशनल वीडियो के लिए, तो सारा चीज मैं आपके सामने लाऊंगा, हर एक चीज लाऊंगा, समझो हर एक चीज लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर रोज एक नई नई आपको वीडियो देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं मोटिवेशनल चैनल पर बनाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ और ऐसा टॉपिक लाऊंगा जिससे कि अभी के चैनल अभी के टाइम में यूट्यूब पर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि भाई इस तरीके की वीडियो कैसे बना सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी को अगर बनाना है मोटिवेशन से रिलेटेड तो इस वीडियो को उसके पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहां से फोटोज लेना है, कहां से वीडियोज लेना है, कैसे आपको एडिट करना है, कैसे वॉइस ओवर करना है, कैसे वॉइस को एडिट करना है, कैसे वीडियो को एडिट करना है, हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।